वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य देव गुरुकुल। दोस्तों हम लोग जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए या यू कहें केवीएस यूनिवर्स जितनी भी वैकेंसी आ रही है, ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए हम लोग एक न्यू जो है सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है ट्रिकी सोल्यूशन, ठीक है। और इसमें हर जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में कवर्ड हैं सारे टॉपिक पे जो है हम लोग ट्रिकी जो सोल्यूशन बन सकते हैं उसको जो है हम लोग पर डे लेक्चर वाइज जो है आपको मिलेंगे और हर टॉपिक पे मिलेंगे। इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है आपका बाइनोमियल थ्योरम, इसका एक लेक्चर हो चुका है, आज सेकेंड लेक्चर हम लोग देखेंगे। तो पहले ट्रिक देखते हैं फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आज का ट्रिक है आपका फाइंड द सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ All coefficient in the expansion of expansion आपका है यहाँ पे ax plus by whole to the power n, ये कोई expansion, इसका जो है आपको क्या निकालना है, sum of all coefficient निकालना है। इसका जो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे कांस्टेंट है उनका सम कर देंगे, जो पावर है वही लिखेंगे, ए बी होल टू द पावर। दूसरा मान लीजिए और दो से ज्यादा टर्म्स है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होल टू द पावर, वहां पे भी जो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, सिंपली ए प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर एन, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, इसको माइंड में रखिएगा। अब इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट, क्वेश्चन आपका व्हाट इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट of all the terms in the expansion of all the terms in the expansion of in the expansion of 45x minus 49 45x माइनस 49 होल टू द पावर 4 इस ऑप्शन ये है आपका माइनस 256 ऑप्शन सी है आपका 320 एंड ऑप्शन डी है आपका 49। ये ऑप्शन है, तरीका वही होगा करने का, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी होगा, जो पावर है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये ए इक्वल टू 45, बी इक्वल टू माइनस 49, एन इक्वल टू आपका 4। तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ये होगा आपका a प्लस बी टू पावर एन, यानी 45 माइनस, अब यहाँ प्लस करेंगे 49 है इसलिए माइनस हो जाएगा, 49 होल टू द पावर 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 टू द पावर 4 कहा जाएगा, 4 टू द पावर 4 4 टू द पावर 4 हो जाएगा वन, तीन जो है 256, चार चौक 16 चौका 64 चौका 256, यानी जो है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द एक्सपेंशन ऑफ In the
एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर 50 द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स ऑड पावर ऑफ एक्स इज ऑप्शन 2 टू पावर 56 ऑप्शन बी इज 2 टू पावर 40 59 ऑप्शन सी है आपका 2 टू पावर 50 ऑप्शन डी है आपका 2 टू पावर 51 ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम टोटल क्वेश्चन निकालेंगे ठीक है। क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं ए क्या है, ए आपका 1 है, बी आपका यानी एक्स का क्वेश्चन 2 भी 1 है, एन आपका क्या है पावर यानी 50। तो सम ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल क्वेश्चन होगा 1 प्लस 1 होल टू द पावर 50 यानी 2 टू पावर 50। देखिए यहाँ पे ऑल क्वेश्चन नहीं पूछा, सम ऑफ क्वेश्चन ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स, इसकी ऑड पावर्स। तो देखिए जो ऑड पावर होता है, जितने भी टोटल सम ऑफ ऑल टोटल क्वेश्चन है उसका हाफ होता है ठीक है। इसका हाफ कर देंगे है ना, यानी सम ऑफ क्वेश्चन ऑफ ऑड पावर, सम ऑफ क्वेश्चन ऑफ ऑड पावर क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 50 बाई 2 ऊपर ले जाएंगे तो 2 टू पावर 59 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर टेन इज ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। यहाँ पे भी आपको बताना है क्या, समाप्त क्वेश्चन बताना है ऑल टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन। तो फिर वही काम यहाँ पे भी करेंगे हम लोग ठीक है। तो क्या निकालेंगे, सम ऑफ आर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर कोएफिशिएंट ए यहाँ पे क्या है, ए है आपका 1 है, बी आपका -3 है और सी आपका क्या है 1 है ठीक है। इसका बस जो वेरिएबल है या कांस्टेंट है उसे कोएफिशिएंट की बात करेंगे, यानी 1 प्लस -3 प्लस 1 होल टू द पावर पावर जो है वही लिखेंगे ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 1 आएगा 1 टू पावर माइनस में है, इवन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, इवन पावर है यानी सिंपली 1 आएगा, यानी आपका नंबर ए इज करेक्ट ठीक है। इस ट्रिक पे बेस्ड आपको 3 क्वेश्चंस मिल गए, अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हैं ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले लीजिए इसी पे बेस्ड, बदल देते हैं स्टेटमेंट आपका वही रहेगा, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + 3y + 4z होल टू द पावर 50
ये है क्वेश्चन, पावर 20 है, हालांकि चाहे 20 है चाहे 15 है, डेटा सेम लेंगे तो मान लो सेम आ गया तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, ए 2 है, बी आपका 3 है, सी आपका क्या है 4, तो आपका होगा क्या एक्चुअली 2 प्लस 3 प्लस 4 होल टू द पावर 20, तो आपका हो जाएगा 9 टू द पावर 20, बस यही आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग एक नई ट्रिक सीखते हैं, फिर उसके बेस जो है क्वेश्चन देते हैं। तो अगली ट्रिक है आपकी, नेक्स्ट ट्रिक देखिए और उसके बेस्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम करें कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ऑफ द टाइप ए टू द पावर 1 बाय बी प्लस बी टू पावर 1 बाय क्यू होल टू द पावर एन, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर। ठीक है, ए और बी क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर है, और आपको बताना है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टाइप। तो इसमें देखना क्या है कि भाई ए और बी पहली बात है कि प्राइम नंबर होना चाहिए, जिसका इंटीग्रल टर्म्स आएगा तो एन अपान एल सी एम आप पी क्यू होगा प्लस वन, कब, जब वेन एन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई पी आर क्यू, यानी इसकी जो पावर है वो क्या होगा डिविजिबल हो किससे, पी और क्यू से, तब इंटीग्रल टर्म्स क्या होगा एन अपान एल सी एम आप पी क्यू प्लस वन। ठीक है, दूसरी बात, जब वेन एन इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई पी आर क्यू, जब जो एक्सपेंशन की जो पावर है एन वो पी और क्यू से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, उस केस में जो इंटीग्रल टर्म्स होगा एन अपॉन एलसीएम ऑफ पी एन क्यू। ठीक है, अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टाइप, तो ये एक्सपेंशन आपका इसी टाइप का है। अब यहाँ पे देखते हैं ए बी पी क्यू है क्या, देखा जाए तो यहाँ पे ए क्या है, ये है ना 3, और बी क्या है आपका 8 है, सॉरी बी आपका है 5, पी आपका क्या है 2, एंड क्यू क्या है आपका 8 है। अब यहाँ और एन क्या है आपका, एन है 256। अब हमें देखना यह है कि जो 256 है क्या है पी और क्यू से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 2 और 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ऑब्वियसली बात है 256 2 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है, तो आप लिख सकते हैं यानी 256 एन इक्विटीज इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2 एंड 8, यस ठीक है, दिख रहा है, देन नंबर ऑफ एन इंटीग्रल टर्म्स ये फॉर्मूला लगेगा, इसको हम रिरेज कर दे रहा हूँ, इसका सोल्यूशन में यहाँ कर दे। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स क्या हो जाएगा एन अपान एल सी एम ऑफ, यानी एन कितना है 256, 256 बाई एल सी एम ऑफ 2.8 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 256 एल सी एम क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 256 बाई 8 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 32 प्लस 1 यानी 33, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने हो जाएंगे 33 हो जाएगा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन इसी भी बेस ले लिए जाए, ठीक है, सिंपल कुछ करना नहीं है, यही देखना है कि जो पावर है एक्सपेंशन की जो एन है वो पी क्यू से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, पी क्यू से डिविजिबल होगा तो ये फार्मूला लगे एन अपान एल सी एम पी क्यू प्लस 1 हो जाएगा, नहीं होगा डिविजिबल तो ये लगेगा सीधा एन अपान एल सी एम पी क्यू। ठीक है, सिंपल सिंपल। चलिए नेक्स्ट ट्रिक लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है।